फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, अज की वीडियो असं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जी, जिहड़े कि SST के मास्टर कैडर एग्जाम के आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये, इन्हें तुम जरूर कर लियो। तो मेरे चैनल को सबसक्राइब जरूर कर दो, जेकर सबसक्राइब नहीं किया हाले तक। तो आप स्टार्ट करते हैं जी। फस्ट जो क्वेश्चन है वह है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग निम्नलिखित विचों केड़ा सी। तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग से जी, वह कौन सी इन्हां विचों? तो ए ऑप्शन है चोल काल, बी ऑप्शन है गुप्त काल, सी ऑप्शन है मौर्य काल, डी ऑप्शन है राजपूत काल। तो कौन सी जी जो स्वर्ण युग जिसनों कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन, गुप्त काल। ठीक है जी, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल नूं कहते सन। नैक्सट क्वेश्चन है जी, किस गुप्त शासक नालंदा यूनिवर्सिटी का संस्थापक मनिया जाता है? तो किहड़ा गुप्त शासक है जी जिसनों नालंदा यूनिवर्सिटी का संस्थापक मनिया जाता है? तो ए ऑप्शन है जी कुमार गुप्त पहला, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन है स्कंद गुप्त, डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त पहला। तो किसनों नालंदा यूनिवर्सिटी का संस्थापक मनिया जाता है जी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन, कुमार गुप्त पहला। ठीक है जी, कुमार गुप्त पहले नूं नालंदा यूनिवर्सिटी का संस्थापक मनिया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन है जी, कुमार संभव महाकाव्य निम्नलिखित विचों किसने लिखा सी? तो जो कुमार संभव महाकाव्य से जी, वह किसने लिखा सी? तो ए ऑप्शन है कालिदास, बी ऑप्शन है हरिशेण, सी ऑप्शन है चंद्रबाई, डी ऑप्शन है बाणभट्ट। तो कुमार संभव महाकाव्य इन्हों विचों किसने लिखा सी जी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन, कालिदास ने। ठीक है जी, कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखा सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, ओह गुप्त राजा कौन सी जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की सी? तो वह गुप्त राजा कौन सी जी, गुप्त शासक कौन सी जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की सी? तो ए ऑप्शन है स्कंद गुप्त, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन है कुमार गुप्त, डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त दूजा। तो किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की सी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन, चंद्रगुप्त दूजे ने। ठीक है जी, चंद्रगुप्त दूजे ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, गुप्त शासन काल के दौरान निम्नलिखित विचों वह व्यक्ति कौन सी जिहड़ा एक महान खगोल विज्ञानी सी? तो कौन सी जी वह व्यक्ति जिहड़ा एक महान खगोल विज्ञानी सी गुप्त शासन काल के दौरान? तो ए ऑप्शन है भानुगुप्त, बी ऑप्शन है बाणभट्ट, सी ऑप्शन है आर्याभट्ट, डी ऑप्शन है वराह मिहिर। तो कौन सी जी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, आर्याभट्ट। ठीक है जी, गुप्त शासन काल के दौरान आर्याभट्ट सी जो एक महान खगोल विज्ञानी भी सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, कुतुब मीनार के नज़दीक स्थित लोह स्तंभ विज्ञानिकों का ध्यान क्यों खिंच रहा है? कुतुब मीनार के नज़दीक एक लोह स्तंभ बनया है जी जिहड़ा कि विज्ञानिकों का ध्यान खिंच रहा है, तो वह किस कारण खिंच रहा है ध्यान? ए ऑप्शन है उसकी प्राचीनता के कारण, बी ऑप्शन है उसकी जंगरोता के कारण, सी ऑप्शन है उसकी चमक दमक के कारण, डी ऑप्शन है उसकी कठोरता के कारण। तो की कारण है जी जिसकी वजह नाल विज्ञानिकों का ध्यान खिंच रहा है कुतुब मीनार के नज़दीक लोह स्तंभ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन, उसकी जंग रोतदा के कारण। ठीक है जी, उसनों जंग नहीं लगता, इस करके उसकी जंग रोतदा के कारण ही विज्ञानिकों का ध्यान खिंच रहा है। नैक्सट क्वेश्चन है जी, गुप्त युग में जिहड़ी यूनिवर्सिटी प्रसिद्ध हुई सी वह निम्नलिखित विचों कौन सी? गुप्त युग में कौन सी यूनिवर्सिटी सी जी जिहड़ी प्रसिद्ध हुई सी? तो ए ऑप्शन है जी कांची, बी ऑप्शन है तक्षशिला, सी ऑप्शन है नालंदा, डी ऑप्शन है वल्लभी। तो कौन सी यूनिवर्सिटी प्रसिद्ध हुई सी जी गुप्त युग में, गुप्त काल में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, नालंदा यूनिवर्सिटी।
ठीक है जी। गुप्त युग में नालंदा यूनिवर्सिटी जी सी प्रसिद्ध हुई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित विचों किस गुप्त शासक नूं कविराज कहा गया? तो इन कि गुप्त शासक से जी जिसनों कविराज कहा गया सी? तो ए ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन है श्रीगुप्त, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त दूजा, डी ऑप्शन है स्कंदगुप्त। तो कि गुप्त शासक से जी जिसनों कविराज कहा गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन समुद्रगुप्त न। ठीक है जी, समुद्रगुप्त न कविराज कहा गया। नैक्सट क्वेश्चन है जी, तांबे दे सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन सी? तो तांबे सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक केड़ा सी जी, कौन सी? तो ए ऑप्शन है रामगुप्त, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त दूजा, सी ऑप्शन है स्कंदगुप्त, डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त पहला। तो तांबे सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक केड़ा सी जी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन रामगुप्त। ठीक है जी, रामगुप्त जिहड़ा सी जी वह गुप्त शासक सी जिसने तांबे सिक्के पहली बारी जारी किए सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, गुप्त वंश ने किहड़ी अवधि विच शासन किया सी? तो गुप्त वंश ने किहड़ी अवधि विच शासन किया सी जी? तो ए ऑप्शन है 319 तो 467 ईस्वी, बी ऑप्शन है 319 तो 324 ईस्वी, सी ऑप्शन है 325 तो 375 ईस्वी, डी ऑप्शन है 566 तो 597 ईस्वी। तो कि अवधि में शासन किया जी गुप्त वंश ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन 319 तो 467 ईस्वी तक। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियां निम्नलिखित विचों किस काल नाल संबंधित है? तो जी अजंता कलाकृतियां ने जी और इन विचों किस काल नाल संबंधित है? तो ए ऑप्शन है गुप्त काल नाल, बी ऑप्शन है मौर्य काल नाल, सी ऑप्शन है हड़प्पा काल नाल, डी ऑप्शन है बुद्ध काल नाल। तो किहड़े काल नाल संबंधित है जी अजंता कलाकृतियां? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन गुप्त काल नाल। ठीक है जी, अजंता कलाकृतियां गुप्त काल नाल संबंधित हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन सी? तो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक जिहड़ा सी जी वह कौन सी? तो ए ऑप्शन है जी रामगुप्त, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त दूजा, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त पहला, डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो कौन सी जी पहला गुप्त शासक जिसने परम भागवत उपाधि धारण की सी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन चंद्रगुप्त दूजा। ठीक है जी, चंद्रगुप्त दूजे ने परम भागवत उपाधि धारण की सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित विचों किहड़े गुप्त शासक ने अपने सिक्क्या ते अपने आप नूं वीणा वजाते हुए आकृति विच अंकित करवाया सी? तो किहड़ा गुप्त शासक सी जी जिसने अपने सिक्क्या ते अपने आप नूं वीणा वजाते हुए आकृति विच अंकित करवाया सी? तो ए ऑप्शन है जी चंद्रगुप्त पहला, बी ऑप्शन है स्कंदगुप्त, सी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त दूजा। तो किहड़ा गुप्त शासक सी जी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन समुद्रगुप्त। ठीक है जी, समुद्रगुप्त ने अपने सिक्क्या ते अपने आप नूं वीणा वजाते हुए आकृति विच अंकित करवाया सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, सोने के सब तो ज़्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सब तो ज़्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए सन जी? तो ए ऑप्शन है हिंद काल, बी ऑप्शन है कुषाण काल, सी ऑप्शन है गुप्त काल, डी ऑप्शन है मौर्य काल। तो सोने सब तो ज़्यादा सिक्के किहड़े काल में जारी किए गए जी? सब तो ज़्यादा सिक्के की गल की है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन
गुप्त काल विच, ठीक है जी, गुप्त काल विच सोने दे सब तो ज़्यादा सिक्के जारी किए गए सन। नैक्सट क्वेश्चन है जी, चंद्रगुप्त दूजे दे शासन काल विच विद्या कला ते साहित्य दा महान केंद्र केड़ा सी? तो केड़ा सी जी महान केंद्र चंद्रगुप्त दूजे दे शासन काल विच विद्या कला ते साहित्य दा? तो ए ऑप्शन है जी विदिशा, बी ऑप्शन है धारवाड़, सी ऑप्शन है वाराणसी, डी ऑप्शन है उज्जैन। तो चंद्रगुप्त दूजे दे शासन काल विच विद्या कला ते साहित्य दा महान केंद्र केड़ा सी जी? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन उज्जैन। ठीक है जी, उज्जैन एक महान केंद्र सी, ठीक है जी, चंद्रगुप्त दूजे के शासनकाल में विद्या कला ते साहित्य दा। ठीक है जी, तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन उज्जैन। तो फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी जी, गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन सी, ठीक है जी, इन्हें तुम जरूर कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने यह, ठीक है, जिहड़े कि एसएसटी मास्टर कैडर एग्जाम दे विच आ सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तो अलावा तुम मेरे चैनल सबसक्राइब जरूर कर दियो, जेकर सबसक्राइब नहीं किया है तो बैल आइकन भी प्रेस कर दियो ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुम्हें रेगुलर मिलता रहे। इस तो अलावा जो कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तुम पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा जी। ठीक है जी, तो मिलते हैं नैक्सट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाल, उद तक लई थैंक यू।